पुरानी बात है, कुछ व्यक्ति जंगल में गए, चार व्यक्ति थे, तीन ने कहा हम लकड़ियां काट कर ले आएंगे और तुम यहां रसोई बनाओ। दायित्व सौंप दिया, तीन बता दिया कि ये आग है, अगर आग बुझ जाए तो अरनी की लकड़ी पड़ी है, मत कर आग निकाल लेना। तीनों चले गए, वह आराम से सो गया। सोचा अभी बहुत समय है और जहां जहां आलस्य और प्रमाद होता है वहां विघ्न अवश्य आता है, तो प्रमाद किया। आलसी आदमी था, उठा जागा तो बुझ गई आग। अब लकड़ियां पड़ी थी, लकड़ियों को लिया और टुकड़ा करना शुरू किया। अरणी की लकड़ी, अरणी में से आग निकलती है, टुकड़ा करना शुरू कर दिया, आग नहीं निकली। आखिर वे सब आए, रसोई बन गई। क्या रसोई कैसे बने, आग ही नहीं है, अरे लकड़ियां पड़ी थी अरणी की, कि मैं देखो टुकड़े टुकड़े कर डाले, आग नहीं निकली। तब उन्होंने कहा तो मूर्ख आदमी एकदम, टुकड़ा करने से आग नहीं निकलती, मथने से आग निकलती है। तो जो चतुर कठहारा था उसने लकड़ियों को लिया, मथा, आग पैदा हो गई। तो ज्योति प्रकट करना भी कठिन काम है, जो नहीं जानता, ज्ञान नहीं है, ज्योति प्रकट नहीं कर सकता। नानम पयासयरम, ज्ञान प्रकाश करने वाला है।